कानपुर में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज के दौरान सूफियों ने दिया मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मनाया गया। सूफियों के दरबार में ना किसी तरह का भेदभाव नहीं होता और यहां गुलाब व गेंदे के फूल एक साथ चढ़ाए जाते हैं। कहा गया है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने मोहब्बत की शमा रोशन की और इस शमा की रोशनी पर पूरे एशिया में फैली है। ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने इंसानियत, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने लोगों के एकता के सूत्र में पिरोया और अजमेर शरीफ में उनकी मजार पर विभिन्न धर्मों के लोग अकीदत के साथ पहुंचते हैं। जुलूस एक गरीब नवाज में तिरंगा लहराकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के जगह जगह नारे भी लगाए। नमस्कार, जेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर आलम। आपको बता दें कि जो आज चांद की 6 तारीख है और जिसको बताया जाता है कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का जो कुल बड़े उत्साह और बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। ये शहर के हर ज़िले में हर जगह अलग अलग अब इस हिसाब से मनाया जाता है। जुलूस उठाया जाता है, लंगर होता है और कहीं ना कहीं आलम को लेके ये पूरे शहर में घूमता है। आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे देखिए कि लोगों का कैसे मजमा दिख रहा है यहाँ पे, और काफ़ी लोग यहाँ पे अपने अपने हिसाब से वो अपने कार्यक्रम को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी लाखों की तादाद में यहाँ पे आवाम होती है और काफ़ी होती है यहाँ पे, जहाँ के जो मेन होते हैं, चाहे यहाँ के पार्षद हो, विधायक हो या वो हो, मिलकर इसको उठाते हैं। हमारे साथ ये जो यहाँ के इंतजामकार हैं, उन जो यहाँ जो उठाते हैं इसको, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये कब से मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, क्या नाम है आप? मेरा नाम है मोहम्मद नवताद, वार्ड 110 का मैं पार्षद हूँ। ये जुलूसे जो है उठ रहा है 112 साल से गरीब नवाज का। ये कहाँ से उठ के जाता है? 112 साल से ये कर्नलगंज से उठता है, वहीं खत्म होता है। चमनगंज, हलीम कॉलेज घूमता हुआ सब तरफ से निकल के कर्नलगंज में खत्म होता है। कितने सालों से ये उठाया? ये जुलूस तो उठाया जा रहा है करीब जो है 5 साल हो गए हैं, 7 साल। हाँ, और ये कुल होने 812 साल हो गए कुल के। ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है जी। देखा आपका यहाँ भी पार्षद जी का कह रहा था, और लोग भी यहाँ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत अली है, मैं वार्ड 3 का पार्षद हूँ। ये जुलूस गरीब नवाज है, ये उठाया जाता है कर्नलगंज लकड़ मंडी से, जो आज लमसम करीब जो का 6-7 साल से उठाया जा रहा है। यहाँ से मनाया ये पूरे हिंदुस्तान में जाता है। ये वहाँ से उठता हुआ काश्ताना रोड, बेकनगंज, चमनगंज होते हुए, बासमंडी होता चमनगंज होते हुए ये जाके ख़त्म होगा GIC ग्राउंड में। कितने लोग शामिल हैं इस जुलूस में? बेतहाशा लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, आप खुद भीड़ देख लीजिए। कैसे मनाया जाता है, क्या क्या होता है? ये जुलूस गरीब नवाज है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। अभी उनकी 6ठी मनाई गई है, तो ये जुलूस है गौसे। देखा आपने, इनका ये कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में आता, अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो फोर्स भी है यहाँ पे। हमारे साथ CO साहब भी जुड़े हैं, SCP साहब भी जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं, कैसे जुलूस को उठाए। मैं SCP कर्नलगंज हूँ, महेश कुमार, और ये गरीब नवाज साहब का जुलूस है जो बहुत अभी लगभग 2 बजे से स्टार्ट हुआ था, और ये कर्नलगंज से शुरुआत है, कर्नलगंज में इसका समापन होगा। और हजारों की संख्या में लोग हैं, पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, हर चौराहे पे पुलिस की पिकेट है और ट्रैफिक भी लगाया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। देखा आपने कि SCP यहाँ की पुलिस की भी इंतजाम जो है वो कहीं ना कहीं पुख्ता है और काफ़ी लोगों में, मगर देखा जाए कि कई सालों से मनाया जा रहा है और उसमें लाखों के लोग पाए जाते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ कमर आलम, JK News।